हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज का नया ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत। तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत बहुत सारा आदमी मैं देखता हूँ जो कि करता रहता है इधर पे, जो कि बिल्कुल ही इनलीगल है, चाहे वो इंडिया के अंदर करे चाहे वो बाहर कोई भी कंट्री के अंदर करे, बिल्कुल ही इनलीगल है, बिल्कुल करना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारा करता है। मैं खुद देखता हूँ, लेकिन आज तक मैं कोशिश भी नहीं की और किया भी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही इनलीगल है। अगर पकड़े जाते हो कैसे भी, अभी तो सब बोलेगा कि कभी कोई भी नहीं पकड़ा जाता। हाँ भाई, ज़्यादातर टाइम पे पकड़ा नहीं जाता है क्योंकि तुम लोगों का अमाउंट छोटा होता है। तो मैं आज सिर्फ छोटा अमाउंट वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। चाहे वो 50,000 भेज रहे हो, चाहे वो लाख लाख भेज रहे हो, चाहे वो करोड़ों में भेज रहे हो पैसा, तो सबके लिए बोल रहा हूँ। हवाला में, हवाला नाम का एक चीज़ होता है, आप लोगों को मालूम होगा। तो हवाला में पैसा मत भेजो भाई। क्यों मत भेजो? क्योंकि ये इनलीगल है। ओके, मैं मानता हूँ कोई कोई बोलेगा भाई बहुत पैसा सेव हो जाता है। हाँ भाई, हो जाता है, लेकिन जो चीज़ इनलीगल है वो तो इनलीगल है। चाहे तुम पैसा बचाने के लिए करो, कभी भी अगर पकड़े गए तो तुम्हारा पेनल्टी लगेगा अच्छा खासा। तब ये नहीं बोल पाओगे, जितना बचाया होगा साल भर पैसा भेज भेज के, थोड़ा थोड़ा करके जितना बचाया होगा, वो तुम्हारा उससे 4-5 गुना तुम्हारा एक ही दिन में ले लेगा, पेनल्टी लग जाएगा। तो ये चीज़ मत करो। और मैं देखा ये चीज़ कौन लोग ज़्यादा करता है, मैं जो देख रहा है नॉर्मली, ये चीज़ वो लोग ज़्यादा करता है जो कि नॉर्मली बांग्लादेशी लोग, मैं स्पेशली देखता हूँ बांग्लादेशी लोग बहुत ही ज़्यादा करता है ये चीज़। ठीक है भाई, मैं ऐसा किसी कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ, बांग्लादेशी लोग करता है ये करता है भाई, जो मैं देखता हूँ वही बोल रहा हूँ। प्लीज़ कोई गुस्सा मत हो अगर कोई बांग्लादेशी देख रहा हो मेरा वीडियो, जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इंडियन नहीं करता, इंडियन भी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा करता है बांग्लादेशी लोग। और ये इसमें फ़ायदा तो मिल जाता है, क्योंकि इधर से नॉर्मली इंडिया का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बांग्लादेश का मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो अभी इंडिया में पैसा भेजने के लिए 1 लाख तक, अगर मैं सपोज़ मान लूँ मैं पैसा भेज रहा है महीने में, तो अगर 1 लाख तक मैं भेज रहा है पैसा, तो 1 लाख तक मेरा जो पैसा का चार्ज लेगा वो लोग कमीशन लेगा नॉर्मली, तो वो लोग लेता है 1 KD 250 fils, यानी ऑलमोस्ट 1 लाख में इंडियन रुपीज़ का मेरा लेता है 340 रुपये का आसपास होगा मेरे हिसाब से। तो ऐसे ही 340-350 मैक्सिमम होता है, मे भी 340 ही होगा, नीचे ही होगा उससे नीचे 335-340 ऐसा। तो ये चार्ज लेता है ये लोग, ठीक है, पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। इधर में जो है अलमुल्ला बोल लो, चाहे वो बहुत है, जो ये अलमरा, ये बहुत कुछ नाम है, मेरे को अभी सही से याद नहीं है। अलमुल्ला से मैं पहले ज़्यादा भेजता था। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, क्योंकि मैं भी अभी पैसा देखूँगा इधर पैसा का रेट कितना दे रहा है ये लोग, ठीक ठाक देखेगा तो मैं भी थोड़ा पैसा भेजूंगा इंडिया में, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अगर बराबर रेट देगा तो इधर भेजूंगा, नहीं तो बाद में अलमुल्ला जाऊंगा। तो भाई लोग मत भेजो, हवाला का यूज़ मत करो, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में। तो बेसिकली मैं तो कभी भी नहीं करता, ना आगे करूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ एक लाख तक 1 KD रूबा लेता है, लेकिन फिर भी सही है, 1 KD रूबा देना भी मेरे हिसाब से सही है। क्या मुश्किल है अगर 1 KD रूबा दे भी रहा हो तो, कोई इनलीगल एटलीस्ट कोई काम नहीं कर रहा हूँ। 400 KD भेज रहे हो, मतलब इंडिया का मैं बात कर रहा है, सपोज़ 400 KD में 1 लाख हो जाता है इंडिया में, तो 1 KD रूबा इट्स ओके। ये अमाउंट को बड़ा अमाउंट नहीं है कोई, तो आराम से दे सकते हो। अभी देखो जैसा कोई भी महीने में तो 1 लाख से नीचे मेरे को नहीं लगता है भेजता है, अगर कोई भेजता भी है तो कभी भी, तो भाई जमा करो एक ही बार में, क्योंकि आप 1 लाख के नीचे भेजोगे, मैं स्पेशल इंडियन का बात कर रहा हूँ, 1 लाख के नीचे भेजोगे तो आपका लॉस है। कभी भी 1 लाख के नीचे पैसा मत भेजो कभी भी। तो अभी जिसका मजबूरी है उसका बात अलग है, अगर इतना भी ज़्यादा मजबूरी नहीं है तुमको तो फिर बस खलास, कोई मुश्किल नहीं है। तो जब भी होगा मिनिमम 1 लाख होना चाहिए, उसके बाद भेजो एक ही बार में पैसा, 1 KD रुपा में होगा, क्योंकि आप 1 लाख के नीचे भी भेजोगे तो आपका
एक के डी रुबाई देना पड़ेगा, और चाहे 1 लाख तक भेजो तब भी आपको एक के डी रुबाई देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बेटर है 1 लाख भेजो, अगर कोई मजबूरी है तो ही भेजो, नहीं तो नॉर्मली 1 लाख करके भेजेंगे तो सबसे अच्छा है। तो मैं कभी बेसिकली इसलिए इसके नीचे नहीं भेजता क्योंकि लॉस है, भेजना ही लॉस है मेरे हिसाब से। तो मैं अभी तक तो ऐसा नहीं किया हूँ कभी भी नहीं, क्योंकि मैं जब भी भेजता है तो मिनिमम ऐसा ही भेजता है, कभी भी भेजता है तो वैसे इतना भेजता नहीं है मैं हर महीना, अगर कभी भेजता है तो मैं ऐसे ही भेजता है, नहीं तो मैं नहीं भेजता है कभी भी इससे नीचे, क्योंकि लॉस है इससे नीचे भेजना। तो अगर जो भी भेज रहे हो भाई, थोड़ा पैसा जमा करके एक ही बार में 1 लाख करके भेजो। अगर सैलरी कम है मुश्किल नहीं, 2 महीना लगेगा 3 महीना लगेगा, रखो पैसा जमा करने के बाद एक ही बार में भेजो तो आप लोगों का अच्छा है। हवाला का काम वैसे चलता है ऐसे कि जैसा 1 KD डुबा लेता है तो ये लोग करता क्या है, सस्ते में भेज देता है। मतलब हवाला का एजेंट इंडिया में भी रहता है, तो सपोज़ ये लोग जाते हैं हवाला के उधर, बोलता है मेरे को इंडिया में 1 लाख चाहिए, इधर में ले रहा है मानो 400 रुपये 350 रुपये, वो बोलता है ठीक है 150 रुपये दे दो या फिर 100 रुपये दे दो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करा देगा। तो उधर से पैसा आपका बैंक में दे देगा और इधर से आपको इधर पे इधर का एजेंट को पैसा देना पड़ेगा बस। तो ये लोग का काम बस बेसिकली ऐसे ही चलता है। लेकिन इसमें कोई आपको मतलब अगर आपका पैसा कुछ हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, मतलब पैसा ना मिले, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना आप पुलिस के पास जा सकते हो, ना आप कोई बैंक के पास जा सकते हो कि मैं इसको ऐसा पैसा दिया लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कभी हो जाए ऐसा तो खलास गया आपका पैसा। तो भाई इतना रिस्क क्यों लेने का भाई, अगर मैं 1 लाख भेज रहा हूँ तो 400 KD भेज रहा हूँ तो 401 KD तो दे ही सकता हूँ, या फिर 401 KD डूबा दे ही सकता हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम है 1 KD 250 रुपये देने में, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कुछ इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है, चाहे आप लोग 1 लाख क्यों, चाहे आप लोग 5 लाख भेजो, कुछ भी भेजो, तो आप 5 लाख के हिसाब से अगर उसका चार्ज देखोगे ना, इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो प्लीज़ भाई लोग हवाला का यूज़ मत करो, जो भी कर रहे हो ये इनलीगल है टोटली। तो ये थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में हवाला का यूज़ मत करो, अच्छा नहीं है ये चीज़। ओके थैंक यू। तो अभी जस्ट मैं पूछा, नॉर्मली हम लोग इधर से अभी फ़िलहाल भेजता है लास्ट 2-3 महीना में, मैं इधर से ही भेजा अल मुजाइनी। तो नॉर्मली हम लोग अभी 2-3 महीने से मैं तो इधर से भेज रहा अल मुजाइनी। तो अभी मैं इधर में एक बार रेट चेक किया, वो बोले 200 270 रुपये 120 फील्स। ओके मेरे को 1 KD में इंडिया का मिलेगा 270 रुपये 120 फील्स मेरे को देगा ये लोग। तो अभी मैं इधर चेक कर लिया और मैं एक अलमुल्ला में चेक करूँगा। तो अभी ये अलमुल्ला में चेक करने के बाद जिधर मेरे को मतलब प्राइस ठीक ठाक मिलेगा तो मैं उधर ही जाऊँगा, उधर से ही मैं भेजूँगा पैसा। तो बस ऐसा है, एक दो जगह में आप चेक कर लो, ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा कुछ फील्स का ऊपर नीचे होता है नॉर्मली, आई डोंट नो, बट अलमुल्ला या अलमुजाइन जो ये है ये अच्छा ही दे रहा है, क्योंकि मैं अभी चेक कर रहा हूँ तो ये कितना दिखा रहा है आप देख सकते हो, 270.60 रुपीज़ दिखा रहा है। तो आप अभी मतलब उधर तो अच्छा ही बोला, ज़्यादा ही बोला मेरे हिसाब से। तो मैं एक बार फिर अलमुल्ला चेक करके मैं सीधा भेज दूँगा। अभी जस्ट आ गया हूँ अलमुल्ला के सामने, ये मेरा पीछे ही ठीक ये अलमुल्ला है। तो चलो अभी अलमुल्ला में घुस के देखते हैं ये कितना बोलता है पैसा, मैं भी सेम बोलेगा नहीं तो कम बोलेगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है अभी कि उधर अच्छा खासा रेट दे रहा है अभी। तो एक बार पूछ लेते हैं, सही बोलेगा तो ओके, ज़्यादा बोलेगा इधर से ही भेज देंगे अभी। हाय 270.120 राइट, अलमुल्ला है मेरा पीछे देखो। तो जस्ट मैं अभी पैसा भेज के निकला, तो सही है दोनों जगह में सेम है, तो आपको आप किधर से भी पैसा भेज सकते हो। आज का ब्लॉग में बस इतना ही था, तो फिर से ऐसा किसी ब्लॉग में दोबारा मिलते हैं।
अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, मेरा इंस्टाग्राम का स्क्रीन में भी आ रहा होगा, प्लीज़ लाइक कर दो, फॉलो कर दो। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट। रुको 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 रुको, एक बात बताना भूल गया था, तो मैं एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना भूल गया था। तो ऐसा भी है कि आप बिना कोई कमीशन दिए भी आप पैसा भेज सकते हो क्यूएससी इंडिया। तो फिर वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार, वो है कि हमेशा नहीं होता है, क्यूएससी सिटी में एक है, मैं कभी जाने का कोशिश करूँगा उधर, उधर से जाके भेजने का कोशिश करूँगा, दिखाऊँगा आप लोगों को लाइव कभी हो सके तो, कि उधर कभी कभी ऑफर चलता है ऐसा कि वो लोग आपसे एक फील्स भी नहीं लेगा, मतलब आपका पैसा भेजने के लिए। ये हर टाइम नहीं रहता है, कभी कभी रहता है, तो जिस टाइम रहता है तो उस टाइम पे आपको जाके उधर से सीधा उस टाइम पे भेजना पड़ेगा। तो ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि अभी जो क्वेस्ट सिटी के में रही रहता है तो जो दूर में रहता है उसको मालूम नहीं पड़ता है आज ये ऑफर चल रहा है कि नहीं, जो आसपास रहता है उसके लिए अच्छा है।